वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से क्राउन पब्लिकेशन का बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन हो गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था नज़र रखती है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को प्रवर्तित करने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 137 के तहत मिला हुआ है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिंधु तथा झेलम, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हेमेटाइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के कच्छ करण किस लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ज्वारीय मिट्टी मैदान के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो क्या होता है? निर्यात सस्ता तथा आयात महंगा हो जाता है, ऑप्शन ए इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। रागनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अमजद अली खान ए तबला नहीं सरोद बजाते थे, ऑप्शन इसका ए गलत हो जाएगा, तबला की जगह सरोद। उस्ताद बिस्मिल्ला खान शहनाई, हेमा मालिनी भारतनाट्यम, शंभू महाराज कथक। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अरनमुला कनादी, ये जो है भारत में इसको दूसरा GI टैग हस्तशिल्प को दिया गया था, जो कि ये दर्पण होता है और ये आंध्र प्रदेश की जगह केरल में बनाया जाता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर, आंध्र प्रदेश की जगह केरल। FAO किसकी एजेंसी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा UNO के, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 8 जून को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? राइट आंसर इसका हो जाएगा KD जाधव 1952 ईस्वी में, केदार जाधव, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के कार्यकाल में हुआ था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में ईसा के प्रथम शताब्दी में। अगला प्रश्न है, यादि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्न में से किसने किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिपकिला दर जो है ये जम्मू कश्मीर की जगह हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी आंसर, हिमाचल प्रदेश।
बाकी जे लेपला सिक्किम में है, माना और नीति दरा उत्तराखंड और बामडीला अरुणाचल प्रदेश। बीटी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा यूएसए के सहयोग से, ये आंध्रा में किया जाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सम्मेलन नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बुशमैन, ये दक्षिणी अफ्रीका अफ्रीकी संघ, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति बुशमैन है, जिसका सर्वाधिक संकेंद्रण कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। बुशमैन लोगों का मुख्य व्यवसाय आखेट व वन उत्पादों को एकत्र करना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा WTO, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा कर GST द्वारा समाप्त कर दिया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा सेवा कर, ऑप्शन ए। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन बी। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा वारन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्राजील, ऑप्शन सी। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा शिंजो अबे, ऑप्शन बी। इनका जन्म 1954 में हुआ था। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रोम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी अवस्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन सी। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत GI रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन ए। जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह घटना क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ध्रुवीकरण, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें अकृत या गुर्दे द्वारा डिटॉक्सिफाई या हटाए जाने वाले अपशिष्ट उत्पाद पाचन क्रिया से पोषक तत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। क्लोरोफिल में क्या होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मैग्नीशियम होता है, ऑप्शन डी। शहद जिसमें शक्कर को उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है क्योंकि? सही उत्तर इसका हो जाएगा उच्च परिसरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण, ऑप्शन इसका जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्टार्च, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन से अंग पर अंगुली के समान से उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोमी अथवा रसांकुर कहते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा छोटी आंत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश या सदिश मात्रा नहीं है? सही उत्तर इसका विद्युत भार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वाहनों को सुरक्षित मोड़ देने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किस घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को
आंतरिक से किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया डॉट डॉट कहते हैं, तो ये ढालू सड़क सड़क की बैकिंग कहता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, सही उत्तर। संभारिक क्या होते हैं? संभारिक क्या होते हैं? तो ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान समान होता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? सही उत्तर इसका हो जाएगा पोटेशियम को। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, सही उत्तर। सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एंडर्स, ये स्वीडिश थे। इन्होंने 1742 ईस्वी में सेंटीग्रेड के आविष्कार किए थे। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, सही उत्तर। एक मैनोमीटर होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 10^7 सेंटीमीटर के। ऑप्शन बी। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा, ये हो जाएगा 36.9 डिग्री। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा, सही। निम्नलिखित में से विश्व यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? सही उत्तर इसका हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन ए। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, राइट आंसर इसका हो जाएगा लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन। ऑप्शन सी हो जाएगा, सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन के का स्थान आइसोटोप ले लेता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्न में से किनकी आवश्यकता होती है? राइट आंसर इसका कैल्शियम और फॉस्फोरस, ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक से भागों की लंबाई का कौन सा सही हाशवान क्रम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शेषांग और मध्यांत ग्रहणी। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, सही उत्तर। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 बसी अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, सही उत्तर। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा संतूर वादक हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो ये उदयीन के राज्यकाल में आए थे। अगला प्रश्न है, हेड गेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1925 में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गढ़जात की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उड़ीसा में, ऑप्शन डी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा देवास में, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही निम्न में से कौन सा लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा पिनराई विजयन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्लभ धातु वैनेडियम से किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर वायरस नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आई हेट यू, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लूला डा सिल्वा, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्रोएशिया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, NTPC ने ग्रीन हाइड्रोजन से ब्लेंडिंग से प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर।
सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शिवा चौहान, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आधार नंबर को चेहरे से प्रमाणित करने के लिए UAIDAI द्वारा लॉन्च किए गए नए एप्लीकेशन का नाम क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आधार फेस RD, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। भारत राष्ट्रीय ज्वार बाजरा दिवस से कब मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 14 नवंबर को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जगदीप धनखड़। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कम पानी और बंजर भूमि तथा विपरीत मौसम में भी ये अनाज उगाए जा सकते हैं। गेहूँ जैसे अनाजों के साथ मोटे अनाज की तुलना की जाए तो किसी भी प्रकार से इन्हें कम नहीं आंका जा सकता। भारत दुनिया में मोटे अनाजों को सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेसली का निधन हो गया है, वह किस देश की निवासी थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा USA, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। PM मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? राइट आंसर इसका हो जाएगा डिब्रूगढ़ में। 51 दिन का सफर पर निकला है जो कि 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। अगला प्रश्न है, टाटा पावर से हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा मुंबई में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केरल के, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम्स ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मनीष तिवारी को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी कंपनी रेल वायर से ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल से टेलीविजन से IPTV सर्विस 26 जनवरी से लॉन्च करेगी? राइट आंसर इसका हो जाएगा रेलटेल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर शेडू ब्राइट रूइट को, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल से जीनोम से एडिटिंग से एंड से ट्रेनिंग सेंटर्स का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इसका होगा पंजाब, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूयॉर्क फिल्म से क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा SS राजामौली, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी 2023 को भारतीय सेना दिवस का 75वां दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु में हो जाएगा 996, कर्नाटक में 973, आंध्र प्रदेश में 993 हो जाएगा और उड़ीसा में 979 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रेडियर झील हो जाएगा कनाडा में, रेडियर झील रूस की जगह कनाडा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मेसावी रेंज, ये हो जाएगा लौहया मेसावी रेंज हो जाएगा तांबा के जगह लौहयस्क के लिए। लौहयस्क संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के कितने स्तंभ निर्धारित किए हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 8, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु
शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। सही उत्तर इसका हो जाएगा संसद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, IDA की स्थापना कब हुई थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा 24 सितंबर 1960 को हुआ था। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर, 24 सितंबर 1960। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति 1991 ईस्वी में किस समिति ने की थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा फेरवानी समिति ने। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। चलैया समिति का संबंध है कालाधन समाप्ति से, और राज समिति का संबंध है कृषि जोत से, तेंदुलकर समिति का संबंध निर्धनता रेखा आंकलन से है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है, और विश्व गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गणित दिवस, उसके बाद है विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को, दिवस हो गया 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, इनमें से किस महिला को सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था। सही उत्तर इसका हो जाएगा इंदिरा गांधी को 1971 में मिला था। उसके बाद मदर टेरेसा को 1980 में मिला था, अरुणा अशरफ अली को 1997 में मिला था। अगला प्रश्न है, शार्ली एब्दो क्या है। शार्ली एब्दो व्यंग अखबार है। ऑप्शन इसका है सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ताइवान की राजधानी कहाँ स्थित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ताइपे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ है। सही उत्तर इसका हो जाएगा पटना में, ऑप्शन बी। बिहार से गुजरने वाला GT रोड किसने बनवाया। सही उत्तर इसका हो जाएगा शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है। सही उत्तर इसका हो जाएगा बौद्ध का, बौद्ध का हो जाएगा 0.02%, मुस्लिम का 16.87% हो जाएगा। बिहार के किस जगह पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा पटना में, ऑप्शन ए।